नमस्कार दोस्तों, सेक्सी समाचार राजस्थान की टुडे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मोतीलाल कनौजिया और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे मुख्य मुख्य समाचार। मतदाता जागरूकता के लिए निर्वाचन विभाग का अनूठा प्रयास, जिम्मेदारी दिखाएंगे, वोटर लिस्ट में नाम लिखवाएंगे। अब स्कूल में बनेंगे हरित पाठशाला, प्रत्येक स्कूल में बनेगी विद्यालय वाटिका। संस्थाओं की प्रगति के लिए आलोचना जरूरी। विज्ञान शिक्षण की चुनौतियां, शिक्षा विभाग में फिर शुरू तबादलों की शुभ बुगाहट। हनुमानगढ़ जोधपुर में व्याख्याताओं के लिए किए तबादले, 5 APO प्रिंसिपल का किया पदस्थापन। आपके व्यवहार की कीमत वे चुकाते हैं। नकल पर शिकंजा, 6 लाख ने छोड़ी यूपी बोर्ड परीक्षा। प्रदेश के विधि शोध पीठ और अकादमी कैसे चुने, वही जो सही। प्राइमरी शिक्षक कर सकेंगे बीएड, वर्धमान नीति ने मांगे आवेदन। 8 अप्रैल तक कर सकेंगे प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन। बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण से पूरा विश्व चिंतित, इंद्रेश कुमार। कश्मीरी विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए यूजीसी ने लिखा कुलपतियों को पत्र, विश्वविद्यालय को अपने स्तर पर विद्यार्थियों की सुरक्षा करने को कहा। रोजगार गारंटी में अब होगा आर पार का संघर्ष, मनरेगा की तर्ज पर शिक्षित युवाओं को 120 दिन की रोजगार गारंटी लागू करने की मांग। जज नियुक्ति में आरक्षित श्रेणी को आय सीमा में छूट, महिलाओं को नहीं। शिक्षक संघ ने 29 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। प्रतिभा खोज महोत्सव कल से उदयपुर में, कांठल के कलाकार पेश करेंगे गैर नृत्य। जिले के 21 विद्यालयों में 1370 छात्र छात्राओं का किया जा रहा है नेशनल अचीवमेंट स्टडी सर्वे। सर्वे के दौरान बच्चों के साथ शिक्षकों एवं विद्यालयों की व्यवस्थाओं का भी भरा जाएगा प्रपत्र। सरकारी स्कूलों की बदलती तस्वीर, अब रामधन का पूरा में 5 डिब्बे और नैरोगेज ट्रेन प्लेटफॉर्म पर भी सांप सीढ़ी और लूडो खेलेंगे बच्चे। अदम्य वीरता के लिए 12 सैन्य अधिकारी सम्मानित, 5 जवानों को दिए पदक। कॉलेज में नया विषय शुरू कराने के लिए प्राचार्य को दिया सौंपन ज्ञापन। शिक्षा का स्तर सुधारने में शिक्षकों की होती है अहम भूमिका, जिम्मेदारी से निभाए फर्ज। 8वीं पास युवा ले सकेंगे डाकघर की फ्रेंचाइजी। स्कूली विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं, 3 को प्रमुख शिक्षा सचिव को नोटिस। धन्यवाद, विद्यार्थी मित्रों ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपकर मांगा रोजगार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लिए निधि योजना आज से। 3 लाख कॉलेज स्टूडेंट का कल से फाइनल एग्जाम, 3 पारी में परीक्षा, 152 सेंटर बनाए महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर। सिस्टम में खामियां जल्द नहीं सुधरेगी, कृषि केंद्रीय कृषि संसदीय समिति के चेयरमैन हुकुम देव नारायण ने जयपुर दौरे पर कहा। अब परिवहन विभाग की भी नींद टूटी, 100 बाल वाहनों की चेकिंग, 32 के चालान, 10 सीज। आवेदन के लिए कार्यालय में लगा रहे चक्कर, आरटीआई का फर्जी मैसेज वायरल, अभिभावक परेशान। 370 पर 3 सवाल, दर्जा स्थायी या अस्थायी, संविधान सभा भंग हुई तो कानून बचा या नहीं, लोकसभा में पास होना कितना जरूरी। 5 साल में अटकी नियुक्ति का मामला सुलझा, एमजीएस विधि, विश्वविद्यालय सेमेस्टर पाठ्यक्रमों में अंक की जगह ग्रेड मिलेगी। आईटी क्षेत्र में की ये 5 नौकरियां लाखों रुपए महीने सैलरी देती है। सभी मतदान केंद्रों पर सप्ताह भर मनाएंगे मतोत्सव कार्यक्रम, मतदाता जागरूकता के लिए निर्वाचन विभाग का अनूठा प्रयास। क्वालिटी एजुकेशन को आयुष छात्रों का सर्वे। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन, हिंदी विश्व और भारतीय संस्कृति। कार्मिक विभाग ने विभाग अध्यक्ष को लिखा पत्र। 5वीं बोर्ड परीक्षाएं 4 अप्रैल से।
बाल वाहिनियों के निर्देशों की पालना के लिए आदेश। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का प्रतिभा सम्मान समारोह आज। लाखों ने निहारा रेलवे की विरासत को। 150 साल पुराने स्टीम इंजन को चलते देखा। बोले विद्यार्थी, नहीं लगी कक्षाएं, सता रहा परीक्षा का डर। थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती में नियुक्ति न देने पर नोटिस। कैसे मिलती है लोगों को अच्छा काम करने की प्रेरणा। स्कूल बद हादसा, डीटीओ को चार्जशीट, एसआई निलंबित। 49 आरपीएस अफसरों के तबादले। 276 लोग बिना परीक्षा भर्ती हुए, इनमें से 111 बिहार के थे। सीबीआई जांच शुरू। लालू मंत्री रहे 2004 से 2009 के दौरान हुई थी नियुक्तियां। स्कूल बस पर गिरा खंभा, कांप उठे बच्चे, बोले अंकल बचा लो। भरतपुर में चलती बस के ऊपरी ग्री एलटी लाइन, 20 बच्चे सवार थे, सभी सुरक्षित। आरपीएससी द्वारा जारी की गई उत्तरकुंजी ऑनलाइन आपत्ति आनी शुरू। दृष्टिबाधित छात्रों ने मांगों के लिए सौंपा कुलपति को ज्ञापन। शहर में चल रही कंडम मिनी बसों में से 180 बसें चल रही है बाल वाहिनी में। बिगो लाइव, टिकटॉक जैसे ऐप पर साइबर बुलिंग और अश्लीलता बच्चों के लिए खतरा। प्रायोगिक परीक्षा 17-27 को। 58 साल से अधिक आयु के किसान को 750 रुपये पेंशन। महिला किसान को 55 साल की उम्र से मिलेगा लाभ। 75 वर्ष से अधिक आयु के किसान को मिलेंगे 1,000 रुपये। 30 लाख बुजुर्ग किसान और 11 लाख को मिलेगा फायदा। प्रदेश में बाल वाहिनी पर रोक होगी कार्रवाई। परिवहन विभाग चलाएगा इलेक्ट्रॉनिक बसें। संस्था प्रधान को दी अधिकारों की जानकारी। भास्कर की रैली में दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश। जयपुर की अपूर्वी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड जीता। चीन की जिस शूटर का रिकॉर्ड तोड़ा उसे फाइनल में भी हराया। संगोष्ठी में बोले वक्ता, साला दर्पण है विद्यालय का आईना, इसे स्वच्छ रखें। जिले भर में संस्था प्रधानों को दी 2 दिवसीय वाकपीठ संगोष्ठी का समापन। किशोरी बाल मेला, कलेक्टर यादव ने विद्यार्थियों को बताया खेल खेल में ज्ञानवर्धी का महत्व। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।